हेलो इंडिया, सलाम एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस दमदार एंड मालदार शो में जिसका नाम है दस का दम। आज की नारी सब पे है भारी, चोला है चोला, मत समझो इसे चिंगारी। तो आदर सम्मान के साथ स्वागत कीजिए, आ रही हैं दोनों कंटेस्टेंट्स हमारी। शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन दस का दम। आपने हमारी लाइफ बना दी आज। और आपने भी। कैसे? मेरे को कॉपी करके पोनीटेल बना ली। किसकी छोटी बड़ी, आपकी या मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। आपकी? या आपने तो कुछ लगाया। आई ट्राइंग टू कम्पीट। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू कम्पीट विद हर। मेरी लाइफ को तो बस लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट हो गया है, आपको देखना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम जस्ट, माय हार्ट इज लाइक वो वो, व्हाट अ हॉट पर्सन। पर ये बात मेरे हस्बैंड को जरा मत बताना। हाँ, वो देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी, और मैं सही में इस बात को हाँ या ना मैं चाहती हूँ अभी इसी वक्त जी। बट मुझे एक बात की श्योरिटी चाहिए कि क्या आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे? आपके और आपके पति के साथ? डेफिनेटली। वो तो या पति डिनर करेगा या आप डिनर करेंगे। आप और आपके पति कैंडल लाइट डिनर खाएं और मैं वो कैंडल जला के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कैंडल लाइट डिनर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे खाना दिखता नहीं। मुझे लाइटिंग ऐसी चाहिए चकाचक। क्या फ़ायदा, इतनी खूबसूरत है आप नहीं दिखेंगी कैंडल लाइट में। मुझे आप दिख जाओगे मन की आंखों से। Yes. Salman, you can do us a favor. Of course. Both of us. जी. We'll be really obliged. जी जी जी. You could remove your shirt. आपकी जो थिंकिंग मेरे बारे में है, ये जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि खूबसूरती जो होती है वो अपने आप से देखने में नहीं पता चलती, दूसरों के नजरों से ही देखनी पड़ती है। तो आपका नाम है पिया शर्मा। राइट। पिया शर्मा जी, क्या करती हैं आप? मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ और अपने घर को खूब अच्छी तरह से सजा के रखती हूँ, पति को बहुत खुश रखती हूँ, घर वालों को बहुत खुश रखती हूँ। बस वैसे मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। कितनी बड़ी? We are 20 people in one bungalow. 20 people? Yeah. Ooh. और आप? तरुणप्रीत बेदी चावला। चावला? हाँ, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मैं एक जॉब भी करती हूँ जहाँ मैं एक फ्रेंच बच्चों का कपड़े का ब्रांड हेड करती हूँ। फ्रेंच बच्चे? एक कपड़ों का ब्रांड है जो फ्रांस से है। अच्छा, जो फ्रांस से है। हाँ, और वो इंडिया में मैं लाई हूँ। नहीं, मुझे समझ में नहीं, आप वो इंडिया में लाए ताकि हमारे बच्चों को फ्रेंच बनाए, ताकि आपके बच्चे फ्रेंच फैशन पहन सके। फ्रेंच फैशन पहन सके, ब्रांड अच्छा ब्रांड है, बहुत बढ़िया। ब्रांड एम्बेसडर मुझे बना लीजिए आप। चलिए, आप वैसे ही कम कपड़े पहनते हैं। ये आपको कम नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी तो ज्यादा, अभी कम की रिक्वेस्ट तो की थी। रिक्वेस्ट जी, हाँ। ना माने तो ये रिक्वेस्ट ना माने तो कुछ नहीं करेंगे। बार बार जरा सदानिया है, हम दोनों बच के रहना। जी जी जी, हाँ मुझे दिख ही रहा है जी। जी, ये आप नहीं, मैं मास, मेरे साथ नहीं, इस तरह मैं सदानिया। ये तो मैं इधर ही खड़ा रहना, क्योंकि आप तो मुझे खींच रहे हैं, आपके पति देव मुझे चीर देंगे। वो तो दोनों के। वो कोई बात नहीं, उनको डील कर लेंगे। यू डोंट वरी, डील करना आता है, कर लेंगे। कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अरे बाप रे बाप। तो अब खेलते हैं ना दस का दम। चलो जरूर। तो ये है नॉकआउट राउंड, आपको इनको नॉकआउट करना पड़ेगा। जो हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं उसके सही जवाब हमारे इस मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं। ये है बेस्ट ऑफ फाइव। तो जिसने भी पहले तीन प्रश्नों के सही उत्तर दिए वो खेलेंगी मेरे साथ दस का दम 10 करोड़ रुपयों के लिए। ओके,
आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों के परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो टॉयलेट में कुछ ज्यादा ही समय बिताता है? आई एग्री है? मेरा तो पति टॉयलेट में टाइम बिताता है, मुझे भी नहीं जाने देता। पता नहीं क्या किसी को 15-20 मिनट लग सकते हैं क्या? उनको लगते हैं। आपके परिवार में? मेरे परिवार में काफी लोग हैं ऐसे जो अंदर जाके घर बसा लेते हैं। अगर आपको जाना है टॉयलेट में और आप बाहर हैं और कोई अंदर है तो दैट 1 मिनट इज लाइक द वर्स्ट। मुझे लगता है मोस्ट जनता तो मेल होगी। नहीं, क्यों क्यों औरतें कितनी जाके रोती हैं बाथरूम में? तो काम होते हैं भाई, खाना पका रहा है, सब्जी ना जल जाए, रोटी ना जल जाए, बच्चा रो रहा है। वेरी क्विक। या आपके बच्चे? मेरा 2 साल का बेटा। 2 साल का बच्चा है आपका? अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरा हस्बैंड ही मेरा बेबी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं? मैं बाथरूम में मीटिंग्स करता हूँ। सीरियसली? किससे? जो भी है, जैसे कि अगर कोई घर पे आ गए एंड समबडी वाज़ टॉकिंग टू मी, तो दैट इज या सो कम। चलो चलते हैं। कैंडल लाइट डिनर कैंसिल। बाथरूम में? आप दोनों के पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तरुण आप हैं 60 और पिया आप है 37। आए देखते हैं कि कितने ऐसे सदस्य हैं फैमिलीज में जो कि ज्यादा वक्त टॉयलेट में गुजारते हैं। तो स्कोर है 1-0। आइए आपका अगला प्रश्न सुनाता हूं मैं आपको। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि उनको अपने पति की तोंद प्यारी लगती है? मुझे तो सिक्स पैक एब अच्छी लगती है, जैसे आपकी है। नहीं, मेरी नहीं, मेरी तोंद है आजकल। नहीं, आपकी पति की क्या है? तोंद। तोंद है? आपकी टोन के साथ लव हैंडल्स भी हैं। लेकिन फिर जिम में क्यों नहीं भेजते उनको? आपके पास भेजेंगे ना एडवाइस लेने के लिए। हाँ, आप मुझे ट्रेनर बना के ही छोड़ेंगी मैडम। बिल्कुल। और क्या करूँ, आपकी पति के तोंद को मैं फ्लैट या सिक्स पैक करा के रिप, फुली रिप करके आपको उनके पास छोड़ दूँ? बिल्कुल। ये आप भी यही चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ आप तो मेरी भी सिक्स पैक बना दो। आपकी तो वैसे भी है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो जो फीमेल जो महिलाएं जो इनकरेज करती हैं, बोलती हैं हमारे पति की टोन इतनी प्यारी है, दे डू नॉट वॉन्ट देयर पति टू लूज वेट। जहाँ फ्लैट स्टमक हो जाएगा, जहाँ रिप्ड हो जाएंगे, तो दूसरी औरतें उनको देखेंगी और वो ऐसा हो सकता है कि वो हाथ से निकल भी जाए। तो अब आपके पास है 10 सेकेंड और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। तरुण 48%, पिया 40%। आए देखें कि कितनी भारतीय पत्नियों को उनके पति की तोंद अच्छी लगती है। पिया 2-0। तरुण कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज कीजिए। अच्छा, आप सुना लिमका बहुत पीती है? लिमका? नहीं, लिमका तो नहीं पीती, पर लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जरूर आई हूँ। कैसे? मैंने और मेरे पति ने हनीमून करते हुए साउथ अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट किया, सबसे हाईएस्ट बंजी जंप से छलांग मारी है। ओह,
और ये बंजी जंप गिनीज बुक में भी लिस्टेड है सबसे हाईएस्ट होने के लिए, तो हम इंडिया के शायद ओनली कपल हैं जिन्होंने ऐसा किया है। आप मुझे समझ में आ रहा कि बंजी जंप हनीमून करते वक्त बंजी जंप किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बट मेरा 25th बर्थडे था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए, और हम उधर से निकल ही रहे थे तो हमने जब देखा तो दूर से ऐसे एक ड्रॉप गिर रही थी, हमने कहा नहीं ये तो भैया ये तो हमारी बस की बात नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत इनकरेज किया कि नहीं हो आपको मार्क करना चाहिए आपका 25वां सालगिरह और कुछ स्पेशल करना चाहिए ताकि आप बता सके अपने यू नो पड़पोतियों को कि मैं कितनी कूल थी। सो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, और हमने किया अलग अलग किया बट किया। क्या फ़ायदा हुआ फिर? नहीं आप जाने नहीं देते ना, अब वो इतने भारी है कि वो मेरे को नीचे खींच लें तो हाँ, और रस्सी कहीं टूट ना जाए, वही तो इसलिए अलग अलग होता है। एक हमारे दोस्त है उन्होंने बंजी जंपिंग की और उनको धक्का मारा गया, तो वो तो कर तो लिया लेकिन उनके कुछ वर्टेब्रा में कुछ प्रॉब्लम हो गया, धक्का नहीं मारते और आज तक वो तो कुछ दे मतलब कुछ 8-1 महीने तो बिस्तर में थे, आज तक वो यूं है। आप मुझे बुलाइए आप। हेलो, यस 20-50 टाइप्स। और जो पूल भी खेलते हैं तो यूं खेलते हैं पूल। पूल खेलते क्यों है? उनको पूल खेलने का बड़ा शौक है। और लिम्का बुक में हम एक और चीज़ के लिए आए हैं जो कि है हमारा एंगेजमेंट, बहुत यूनिक तरीके से हुआ। कैसे? हम गोवा गए अपने पेरेंट्स के साथ और हमने हवा में उड़ते हुए पैरासेलिंग करते हुए रिंग्स एक्सचेंज की। आपने ऐसी कोई चीज़ की है जो कि नॉर्मल चीज़ है? हमें अच्छा लगता है कुछ हम एक्साइटिंग करें कुछ नया करें, और अब आपको मिल रहे हैं ये बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए। शुक्रिया जी। हाँ, स्कोर है 2-0। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय ने किसी हीरो या हीरोइन के पोस्टर को किस किया है? मैंने 1989 में एक के पोस्टर को किस किया था, अजय देवगन। मैंने प्यार किया आई और एक हॉट हंक बॉलीवुड में लॉन्च हुआ, आलोक नाथ जी। ओह गॉड, यू गेस राइट। जी हाँ, दैट वाज यू, दैट वाज मी। जी हाँ, शुक्रिया। बट सिर्फ पोस्टर को ही किस करके रहेगी, आज की डेट में शादी हो गई है। गुड, आई एम हैप्पी। अगर वो पोस्टर लेके घूमती तो आप बावली हो जाती, क्योंकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। आपने कभी किसी के पोस्टर को किस किया है? किया है ना, खामोशी। खामोशी, खामोशी नाना पाटेकर? नहीं, आपको अभी खामोशी अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आई हैव सीन मिस्टर राजेश खन्ना इस टाइम व्हेन आई वाज लिटिल चाइल्ड, जब मैं छोटा सा बच्चा था, वो जब जैसे कि रास्ते पे शूटिंग करते थे तो अगर यूं घूमते थे सारी लड़कियां इस तरफ, इफ यू टर्न अराउंड सारी लड़कियां इस तरफ। आई हैव नेवर सीन अ विजुअल लाइक दैट इन माय एंटायर लाइफ। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई विजुअल नहीं देखा। लड़कियां उनकी गाड़ी से शादी करती थी, जब वो चलते थे तो वो जो धूल होती थी वो मैच बॉक्स में डाल के वो मांग में सिंदूर भरती थी। वो एक उन्हीं का वक्त था ये, और उसके बाद ये जो हिस्टेरिया है जो फैन फॉलोइंग है उसके बाद कभी किसी ने नहीं देखा। हमारे दिल से पूछो, हमारे लिए आप क्या हो? हम खून से लेटर नहीं लिख सकते, गाड़ियों के पीछे नहीं भाग सकते, हमारे तो दिल में बसते हैं। शुक्रिया। तो आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तरुण 79% एंड पिया 38%। आए हमारे देश की आवाम क्या कहती है वो देखते हैं। Thank you, Pia, आप
आपने 3 सवालों का सही जवाब दिया। आप खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तरुण, नो प्रॉब्लम, हम आए आपसे मिले, वही बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरी फैमिली भी है। अरे, और आपके लिए कुछ लाई भी है। और ये आपके लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी शादी करें और जल्दी जल्दी हमें मौका दे किसी को ये पहन के देखने का। तो ये हमारे तरफ से आपके लिए फॉर द नियर फ्यूचर एंड वी होप इट्स वेरी नियर। टाइट कपड़े जरूर पहनता हूँ लेकिन ये मुझे फिट होगा नहीं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यहाँ पे आप आ गए, आपने तो बंजी जंपिंग की आपने। कुछ हो जाए, हो जाए ना, हो जाए भंगड़ा, हो जाए। आइए मैडम, आप भी शामिल हो जाइए इस भंगड़े में। जाने से पहले हम आपको LG की तरफ से एक शानदार LG माइक्रोवेव दे रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हर चीज डालना इसमें, इनको नहीं बस। तो प्रिया जी, अब आप खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। ये हमारी स्टूडियो ऑडियंस है मुंबई की, ये आपकी मदद करेंगी। और फिर आपके मेरा ब्रदर है आनंद साहब, तो आप इनकी मदद करेंगे जी। क्या करते क्या आप जी? मैं एक कंसल्टेंट हूँ जी। रिसेंटली आई वाज वर्किंग इन अ फर्म इन बॉम्बे, बट अब मैं दिल्ली में जाके फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। किन किन चीजों पे कंसल्ट करते हैं आप लोगों को? जो जहाँ पैसा मिल जाए वहाँ कर देते। अपना नहीं लगना चाहिए बस। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए और खिड़की होगी 40% की। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को घूरती हैं? तो जब मर्द महिलाओं को की तरफ देखते हैं तो क्यों अपसेट हो जाती है? वो अपसेट इसलिए होती है कि मेरे को देखने की बजाय इनको क्यों देख रहे हैं। और वैसे मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं महिलाओं को ज्यादा देखती हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। हाँ, मतलब मैं ये मानती हूँ, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि उनको कॉन्शियस ऐसी हो जाती ना कि वो मेरे से खूबसूरत कैसे दिख रही है, हैं मोई ऐसी कैसी पहन के आ गई है कपड़े। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मैं अगर मेरे सामने मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग कोई लेडी होगी और मेरा हस्बैंड उसको देखेगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे तो अंदर से यही लगेगा कि यार वो ज्यादा खूबसूरत है, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक अनुमान तो लगा लीजिए, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। और आप भी एक जरा एक पोल कर लीजिए प्लीज। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये प्रॉब्लम क्या आप लोगों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। आप घूरे उस नजर से नहीं घूरते ना। हाँ, आप इस नजर से घूर रही हैं ना कि ये भला मुझसे इतनी खूबसूरत क्यों है, तो वो भी तो ये बोल रहा है तो वो क्यों देखे। अरे जो आप बोल रही हैं, वो हस्बैंड भी तो ये बोल रहा है कि ये मेरी बीवी से इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों है। वो ये तो जो आप बोल रही हैं वो बोल रहे हैं, सेम चीजें तो बोला जा रहा है। दूसरे की थाली का खाना तो वैसे ही सबको अच्छा लगता है ना। किसकी थाली का खाना? दूसरे की थाली का खाना, जो मिला है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। ये किसने कह दिया आपको? ऐसा ही होता है, ये आपकी सारे, ये आपकी सारे आदमी ऐसे ही होते। अरे बाप रे बाप, सारी औरतें ऐसी होती हैं। ये आपने ऐसे कैसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अगर वो देख रहे हैं तो उनको किसी दूसरी का दूसरे थाली का खाना अच्छा लग रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। आपको क्या लगता है? देखिए, आजादी की बात है। आजादी मतलब कि कितनी आजादी आपकी बीवी आपको देती है उसकी बात है। औरतें देखे तो ठीक है, हम देख ले में जूते पड़ जाते। अच्छा, आजकल लड़का लड़के को नहीं दे सकता?
बीबी सस्पेक्ट करने लगती है आजकल के जमाने में, ये क्यों उसको क्यों देख रहे हो, अरे क्यों देख, व्हाट इज हैपनिंग टू यू गाइस यार, डॉक्टर बुलाओ। आप देखो आपको किसी ने मना नहीं किया, आपको आ रहे हो, जब शादी हो जाएगी ना फिर पता चलेगा आपको। अरे ले इसी के डर से तो नहीं हो रही है वो, ना नाक में नकेल डाल के टिक 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 करेगी। लेकिन जैसे जैसे कि हम अप्रिशिएट करते हैं खूबसूरती, आप उसको एक गलत मायने से लेती हैं। वो आपकी नजर में कोई खोट है कि आप अपने हस्बैंड, अपने शोहर को, अपने बॉयफ्रेंड को आप ट्रस्ट नहीं करती? हम तो देख रहे हैं, हम तो ऐसे देख रहे हैं। आहा, ओहो, व्हाट अ स्मार्ट लेडी। अब इसमें इसमें क्या कोई है, कुछ कुछ आपको नजर आया इसमें? सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ तो है, बचा क्या? इसमें क्या है? बचा क्या इसमें? इसमें क्या, कुछ नहीं है, अप्रिशिएट करना है बस। इसमें बचा क्या है, सब कुछ। और ये थॉट्स, ये थॉट्स आप अपने हस्बैंड्स के और बॉयफ्रेंड्स के दिमाग में डालते हैं और वो जानबूझ के आपको सताने के लिए करते हैं। कुछ हस्बैंड्स तो जानबूझ के करते हैं ताकि उनकी बीवी उनकी तरफ थोड़ा ध्यान तो दे। हाँ, ये हस्बैंड ने ही बोला होगा। हाँ। अच्छा, आपने अनुमान लगा लिया है। हाँ, एक स्टूडियो ऑडियंस का देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आइए देखते हैं ऑडियंस का पोल हमारा। 40 to 60 के रेंज में आप है, 21 to 61%। क्या करेंगे आप? ऑडियंस लुक्स वेरी क्लियर एंड आई थिंक वो 30 से 70 का ब्रैकेट अच्छा रहेगा। 30 to 70 ऑडियंस। व्हाट से छाप दूं क्या? आपकी मर्जी है, आप खेल रही हैं। ऑडियंस छाप दूं? छाप दिया। 28% से लेके 68% पर आए, देखें कितनी महिलाएं महिलाओं को घूरती हैं। जीत गई पिया जी, आप जीत गई 10,000 रुपए। अगला प्रश्न। 1,00,000 रुपयों के लिए प्रतिशत की खिड़की 30%। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। खाने की एक्सपायरी, सब्जियों की एक्सपायरी डेट, मेडिसिन की, कैंड फूड की, वो लड़कियां सारी एक्सपायर कर जाती है। आदमी, ह्यूमन बीइंग्स की एक्सपायरी डेट है। मतलब यू मीन कि आपने जिस जिस से लव किया सब लड़कियां एक्सपायर हो गई? जी हैं, हर चीज। मैं कह रहा हूँ कि प्यार की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। योर लाइफ जर्नी इज योर लाइफ जर्नी। नहीं, जो भी आता है आपकी लाइफ में इज अ फेलो फॉलोअर, उसका जितना काम होता है उतना ही रहता है और फिर वो आगे निकल जाता है। कहते हैं कि लकी इन लव, आपको पहली बार मिल गया तो फैंटास्टिक, अनलकी इन लव आपको इवेंचुअली तो मिलेगा ही मिलेगा कोई ना कोई। तो मेरे लिए तो एक ही बारी का सही है। अच्छा है, इट्स वेरी गुड, आप लकी हैं। बार बार चांस नहीं लेते ना। एक अनुमान लगाइए आप, और आप स्टूडियो ऑडियंस प्लीज एक जरा वोट कीजिएगा। थैंक यू। आपको क्या लगता है? इंडिया में दो तरह के प्यार हैं जी, ऐसा लगता है। एक तो जब बॉय चॉइस है और दूसरा जो कि बाय मैरिज हो जाता है। हाँ, बाय मैरिज भी जो है, अरेंज मैरिज, उसमें भी आई मीन लव कोर्स हैपेंस, तो वो बाउंड किस्म का लव है और दैट स्टेज फॉर लाइफ, क्योंकि हम ज़्यादा कमिटेड हैं, हम ज़्यादा लॉयल हैं कंपेयर टू मेरी मे बी मेनी ऑफ द अदर वेस्टर्न नेशंस। सो हम जो एक रिलेशनशिप एक बार इस्टेब्लिश करते हैं, वी टिपिकली कमिट टूवर्ड्स इट। तो मेरी समझ में ये ब्रैकेट जो है विल बी अ गुड हेल्दी ब्रैकेट। तो अगर हम
इवन इफ वी से 35 टू 65 और 40 टू 70 दैट शुड बी गुड. आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? मेरे नजरिए से तो एक ही बार ही होता है और मैंने तो एक ही बार ही करके शादी भी कर ली. फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया आपने. लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी और फिर छोटी सी प्रॉब्लम मैं तुम्हारी जान ले लूंगी? ऐसा कुछ नहीं, वो दिल से कभी भी नहीं होता जो आप कह रहे हो, वो ऊपर ऊपर से होता है. ऊपर ऊपर से लव होता है? नहीं, ऊपर ऊपर से लड़ाई होती है, अंदर तो प्यार ही होता है. लेकिन कितने ऐसे हैं लोग जो कि उनको लव हुआ है और फिर उनका टूटा है और फिर वो कहीं ना कहीं जाके शादी कर करा के हैप्पी है, मैरिड है. ये बहुत टाइम अननोन से चलता आ रहा है. और फिर देन द क्लासिक लव स्टोरीज, रोमियो जूलियट, ही रांझा. आप क्या प्रेफर करते हैं? प्यार में मरना बेटर है और अगर जिंदा रहे तो प्यार में ही. आई डोंट एग्री, सॉरी. आइए आइए, ऑडियंस पोल देखते हैं. ऑडियंस बचाओ. 50-60% के ऊपर सबसे हाई चोटी है. आपने अनुमान लगाया है फ्रॉम 35 to 65. मेरे को तो लव मिल गया, औरों को मिले ना मिले बस इतना काफी है. और ऊपर जाऊं? लिटिल मोर, दैट्स इट. बस बस थोड़ा नीचे आ जाऊं? थोड़ा नीचे ले लेती हूँ. लिटिल लिटिल लॉक कर दूं? 39, 39, 69 में. 38, 68 नहीं? पहले कंफर्म करो ना. प्यार का सवाल है भाई. दिस इज गुड इनफ. श्योर? लुक्स लाइक. शुड आई लॉक? मम्मी पापा बल्ले 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 बल्ले. इन्होंने छापा है 39% से लेके 69% पर. आए देखें कि पिया जी जीतती हैं या नहीं. Congratulations. Thank you. मैं कुछ आपके लिए करना चाहती हूँ. आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं? Of course. मेरे भाई ने एक गाना, लिरिक्स और म्यूजिक दिया है आपके लिए, डेडिकेटेड टू यू ओनली. कुछ एक गीत इधर उधर बनाते रहते हैं, एक आपके लिए भी डेडिकेट कर दिया है. लेकिन आई थिंक आप गाओ तो अच्छा रहेगा. तो गाइए ना. तेरे ही तो प्यार में दीवाने हुए, तेरे ही दरबार में बेगाने हुए, चिलमनों से जो झांकता, पानियों से जो पाक था, चिलमनों से जो झांकता, पानियों से जो पाक था, बिन धुआं जो जले, सलमान था, सलमान था, सलमान था, सलमान था, सलमान था, सलमान था. अनंत साहब बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने. थैंक यू, थैंक यू. आप 3 कदम दूर 10 करोड़ रुपयों से. ये रहा आपका प्रश्न, जिसकी के खिड़की होगी सिर्फ 20% की. ये रहा प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की प्रथा में आज भी विश्वास करते हैं? ये क्वेश्चन तो लगता है मेरे पे ही है. जी हाँ, आप ही पे है. इसका मतलब आप विश्वास करती हैं? मैं विश्वास तो करती हूँ पर लेकिन इंडिया में ऐसी बहुत कम फैमिलीज है, बहुत ही रेयर फैमिलीज है. किसी की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ नहीं बनती, न्यूक्लियर हो जाते हैं. और हमारी फैमिली में तो देयर आर 20 पीपल. ये तो छोटी फैमिली है आपकी. आपकी फैमिली कैसी? मेरी फैमिली जॉइंट है लेकिन अलग अलग रहते हैं सब.
जॉइंट है पर अलग अलग कैसे रह सकते हैं? एक घर में नहीं रहते. क्यों, छोटा है? हाँ छोटा है. मैं मेरे फादर 2 बेडरूम में रहते हैं, मैं 1 बेडरूम में रहता हूँ, मेरे भाई अलग 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 सब अलग अलग रहते हैं. तो लेकिन मिलते हैं, रोज हैं, बहुत क्लोज हैं. मुझे तो इसमें गेस जॉइंट फैमिली में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं, मतलब मुझे मेरे नज़रिए से ये लगता है, जब मेरे पति ने मेरे हस्बैंड ने जब मुझे प्रपोज किया था, देन आई सेड कि नहीं, मेरी फैमिली राज़ी नहीं होगी क्योंकि वी आर फ्रॉम सिख फैमिली, तो और पूरे कट्टर सिख टाइप. मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था. फिर इनके एक वेडिंग से, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने कहा कि हमारे घर के 20 लोग जो हैं हाथ जोड़ेंगे तेरे घर वाले के सामने कि प्लीज़ अपनी बेटी को हमारे को दे दो, तो वो मना नहीं कर पाएंगे. एंड दैट वाज द वन थिंग जिसकी वजह से आज तक मैं इनके साथ हूँ. वाह, 4.5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और मैंने ईच एंड एवरी पार्टी और मतलब सभी मोमेंट मैंने इतनी अच्छी तरह से इंजॉय किए हैं सबके साथ, जो शायद अकेले रहते हुए कभी भी इंजॉय नहीं कर सकती थी. आप डिसएडवांटेजेस ये कह सकते हैं जॉइंट फैमिली में कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जॉइंट फैमिली में, सबकी अलग अलग टाइप थिंकिंग है, तो हमेशा आपको एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आप उस घर में बहू. नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा मैं ही एडजस्ट करती हूँ. एडजस्टमेंट हमारी फैमिली में तो दोनों साइड से ही होती है. आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि कितने लोग विश्वास करते हैं, रखते हैं इस इंस्टीट्यूशन में. मेरे को ये तो 35 to 55 लेकिन आप ऑडियंस पोल ले लो. एक बार ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? आइए ऑडियंस पोल देख लेते हैं. 40 to 50 आप हैं, 35 to 55. बॉम्बे वाले लोग तो न्यूक्लियर ही रहते हैं ज्यादातर. नहीं, बरजातीय फैमिली बॉम्बे में रहती है, बहुत सारे जैन फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, हम लोग रहते हैं बम्बई में. हाँ, पर रेयर है ना, बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है. अगर हम लोगों को एक बिल्डिंग में फ्लैट्स मिल जाते तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते. मैं भी एक फ्लैट लेना चाहूँगी मुंबई में. भाई मुझे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो यहाँ पे मेरे ख्याल से 40 to 66 कर दो. तो मुश्किल सवाल है बहुत. आप वो एरिया तो भूल ही गई शायद, जो छोटे छोटे शहर हैं जैसे जयपुर है, काफी जॉइंट फैमिलीज, बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज हैं. पंजाब में सब साथ में रहते हैं. साथ में तो रहते हैं पर विलायत भाग जाते हैं ना. हाँ, लेकिन लेकिन फैमिली के लिए ही तो होता है. हाँ, फैमिली के लिए होता है. और सबसे अच्छी बात उनकी ये रहती है कि वो अपने साथ धीरे धीरे सभी को ही बुला लेते हैं वहाँ पे. जी, आपने लगाया 50 to 70 पर, क्या करना चाहेंगे आप? और अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 लाख, गलत जवाब दिया तो 10,000, क्विट किया तो 1 लाख. भाई क्या बोलते हो, ऊपर करूं नीचे करूं? मुश्किल है, लगता है 10,000 ही आएंगे. Be positive, yeah, bro. Yes. Be positive, yeah. क्या करूं, जनता छापू कि नहीं छापू? नीचे. मुझे तो लग रहा है मैं एक से भी जाऊंगी. छाप दिया. छाप दिया आपने. अब जो होगा माता रानी के भरोसे. आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग विश्वास करते हैं जॉइंट फैमिली पर? शायद करते हैं. कितने सालों में कितने जॉइंट फैमिली ब्रेक हुए हैं ये हमें नहीं पता. तो आए देखें, 10 लाख रुपए या 10,000 रुपए? Ooh,
Congratulations. मुबारक हो. Bingo. क्यों कम लग रहे हैं आपको पैसे? क्या देखिए यही तो प्रॉब्लम है. अब ये कौन से आंसू हैं? ये खुशी के आंसू हैं. आपको 10 लाख रुपए नहीं चाहिए तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं 10,000 में. बस आपकी आपके चेहरे पे खुशी चाहिए. जॉइंट फैमिली ने मेरी बिल्कुल ब्लेसिंग्स दे के भेजा था कि जीत के आओगी वहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. और देखिए आपको प्रश्न भी मिला जॉइंट फैमिली पर और आपने सही उत्तर दिया और आप जीत चुकी हैं 10 लाख रुपए. लेकिन आप हंस तो दें. रो रही हैं आप? ये लीजिए, पहुंच लीजिए अपने आंसू. नहीं नहीं पहुंच लीजिए आप अपने आंसू. नहीं 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 फिक्र ना करें, आप आंसू पहुंच लीजिए. ये आंसू के लिए नहीं है. ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ. आइए. थैंक यू. वेलकम. मैंने वैसे रियली मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच गई. मेरी नॉलेज जितनी है उस पर तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकती. बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती अपनी नॉलेज. ज्यादा जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो जानकार लोग होते हैं, उनका ये खेल ही नहीं. ये खेल हम जैसे सिंपल मासी लोगों का है, जिसमें क्लासी लोग भी बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं. 10 लाख रुपये का करेंगे क्या आप? 10 लाख क्या, 1 करोड़ क्या? मैं जितने मर्जी जीतूँ मैं अपने पति को दूंगी. अभी काफ़ी टाइम से हम लोग थोड़ा बिजनेस में सफर कर रहे थे, बट नाउ मे बी दिस विल हेल्प. आई एम सो हैप्पी दैट 10 का दम कुड हेल्प यू इन टेकिंग योर बिजनेस टू अ डिफरेंट लेवल. शुक्रिया. अब आ जाए खेलते हैं. तो आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से. आपका अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपयों का, जिसकी प्रतिशत की खिड़की है 10%. ये रहा कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो अपने पति के ऑफिस ये पता लगाने के लिए फोन करती हैं कि वो सच में वहां है कि नहीं. नहीं. फोन करने के लिए ये नहीं पता करना पड़ता क्योंकि वो ज्यादातर ऑफिस से बाहर ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि सिटिंग वर्क इतना नहीं होता. अच्छा. इधर उधर कंपनीज वगैरह में जाना पड़ता है मार्केटिंग वगैरह के लिए, सो वो हार्डली ऑफिस में रहते हैं. आपको पता है कि हाल ही में एक पत्नी ने अपने पति को फोन किया, पूछा कि कहाँ पे हो, तो उन्हें कहा कि मैं ऑफिस में हूँ. इधर टीवी तो ऑन करो. उन्हें टीवी ऑन किया और देखा कि उनकी बिल्डिंग के अंदर प्लेन चले गया था और उस ऑफिस में नहीं थे. तो उन्होंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया. ये नहीं सोचा कि उस दूसरी औरत ने उनके सुहाग की जान बचाई है. जान कीमती है या ट्रस्ट? जान दूसरी औरत के साथ है तो ट्रस्ट तो वैसे भी टूट रहा है, बीवी तो वैसे ही मार डालेगी. कितनी सेल्फिश है आजकल की. प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो अपने पति के ऑफिस ये पता लगाने के लिए फोन करती हैं कि वो सच में वहां है कि नहीं. ये 1 करोड़ रुपयों का प्रश्न है. आप अनुमान लगा रही हैं आप खेलना चाहेंगी या नहीं? एक बार ऑडियंस पोल. हाँ, 40% से लेके 50% पे सबसे ऊंची चोटी है. फिर दूसरी चोटी है 60% से लेके 70%. एक और चोटी है जो कि 29% से लेके 31.2% पर. भाई क्या बोलते हो इस बारे में? मेरे ख्याल से थोड़ा सा कमी है ये प्रोपोर्शन. बीवी इतना भी मिसट्रस्ट नहीं करती हैं पतियों को. मेरे ख्याल से एक ब्रैकेट जो 26 से 36 का या 27 से 37 का, शायद ये ठीक लगता है. 21 to 31? नहीं नहीं, अब तो थोड़ा ऊपर. मुझे कम लग रही हैं. ऊपर नहीं. विमेन बताएगी क्यों कि मैं शक करती हूँ? शक करना तो बैड हैबिट है ना. बैड हैबिट नहीं, फितरत है.
क्या करना चाहेंगी आप? 1 करोड़ का सवाल है। क्विट करती हैं तो 10 लाख आपके पास है। खेलती हैं, सही जवाब देती हैं तो 1 करोड़, गलत जवाब देती हैं तो 1 लाख रुपए। बताइए आप क्या करना चाहती हैं पिया? मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, मुझे कुछ नहीं समझ। आपका आपको क्या लगता है, इनको खेलना चाहिए, इनको क्विट करना चाहिए? आई थिंक यू कैन क्विट, दैट्स फाइन। क्विट करना? या 10 लाख बहुत होते हैं वैसे। 10 लाख पे बहुत होते हैं। मुझे जिस काम के लिए चाहिए उसके लिए थोड़े कम हो, बट इट्स फाइन। इट इज अ लॉट बेटर देन 1 लाख रुपीज। लॉट बेटर देन, या। तो फिर आप क्विट करना चाहेंगे? क्विट? पिया ने क्विट कर दिया है 10 लाख रुपयों पर। 10 लाख रुपए लेके जा रही है हमारे से। It's enough for me. I am glad it's enough for you. And I'm glad that we could do something for you. Thank you. Played very well. Mubarak ho. God bless you. Wish you and your pati and your joint family a very, 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 very happy life. Thank you so much. Aur buddy Anand Sahab. कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम, आज का एपिसोड, आज का 10 का दम समाप्त होता है। प्लीज कम एंड वॉच अस नेक्स्ट टाइम ऑन 10 का दम। Fantastic.